एक जंगल में गोरी कौवी रहा करती थी और उसने कालू नाम के एक कौवे से शादी की थी। उसे तो लगता था कि कालू कौवा बहुत अमीर है, लेकिन जब वह शादी करके आई तब उसे पता चला कि कालू कौवे के पास तो पैसे नहीं हैं। फिर वह कालू कौवे पर बहुत अत्याचार किया करती थी। कालू, उठ जाओ, जा कर के कुछ भोजन लेकर आओ और कुछ फल भी लेकर आना, मेरा फल खाने का बहुत मन है। अब उठ जाओ, मुझे ना उठना पड़े वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर गोरी, अभी तो इतनी सुबह भी नहीं हुई है, मैं इतनी सुबह उठकर क्या करूँगा, अभी मुझे थोड़ा और सो लेने दो, वैसे भी कल देर रात तक काम करते हुए मैं देर में सोया था, अब मुझे थोड़ा सो लेने दो। अब सोने का समय नहीं रहा, जा करके उठ जाओ, अब काम कौन करेगा, अगर तुम सो जाओगे क्या मैं काम करूँगी, चुपचाप उठकर जाकर फल लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी थोड़ी देर लेटी हुई हूँ, फिर बाद में जब तुम आओगे फिर मैं उठ जाऊँगी। फिर कालू कौवा गोरी के डर से सुबह ही फल लेने और अनाज लेने चला जाता है। गोरी कभी खुद तो कोई काम न करती, लेकिन कालू कौवे को सारा काम करना पड़ता, वो पैसे भी कमा कर लाता और घर के भी सारे काम करता, गोरी तो बस आराम करती थी। कालू कौवे को तो कहीं फल ही नहीं मिल रहा था, वह सब जगह ढूंढता फिरता है। मैं अब कहाँ जाऊँ, मुझे तो कहीं फल ही नहीं मिल रहा, अगर मैं बिना फल के घर गया तो गोरी मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं थोड़ा आगे जा कर के देखता हूँ। फिर कुछ देर बाद कालू कौवा फल ढूंढकर घर पहुंच जाता है। अरे कालू, तूने तो बड़ी देर कर दी, मैं कब से भूखी बैठी हूँ, मैं तो उठ भी गई और तू इतनी देर बाद आया, मैंने तुम्हें इतनी जल्दी भेजा था फिर भी तू इतनी देर में आया, जल्दी ला, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू, मैं तब तक खा रही हूँ, तुम जाकर नदी से पानी ले आओ, घर का सारा पानी खत्म हो गया है, मुझे अभी प्यास लगेगी तब मैं क्या पीऊँगी, जल्दी जाओ। गोरी, मैं कुछ अनाज खा लेता हूँ फिर मैं पानी लेने चला जाऊंगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा, अब तुम भी खाओगे, तुम अगर खाने बैठ गए तो पानी लाने के लिए कितनी देर हो जाएगी, कब तुम जाओगे और कब जाकर पानी लेकर आओगे, बाद में आकर खा लेना, अभी जाकर पानी लेकर आओ। फिर कालू कौवा भूखा ही नदी पर चला जाता है। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। है, और नदी से पानी भरकर बस घर में आ जाता है। घर आता है तो देखता है कि सारा अनाज और फल तो गोरी खा गई, कुछ तो उसके लिए बचा ही नहीं। गोरी, तुमने तो सारा अनाज ही खा लिया, मेरे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं, तुमने कहा था कि मैं वापस आकर खा लूँगा, तुमने तो कुछ बचाया ही नहीं, अब मैं क्या खाऊँगा। मुझे क्या पता तुम क्या खाओगे, तुम अपने लिए क्यों नहीं लेकर आए, ये तो सब मेरे लिए था, मैंने ही तो तुम्हें भेजा था सुबह, अपने लिए भी लेकर आते तो तुम भी खा लेते, इतना तो मेरे लिए ही काफी था। फिर कालू कौवा भूखे पेट ही काम पर चला जाता है। फिर रात हो जाती है, रात में कालू कौवा घर आता है,
गौरी, तुमने खाने में कुछ बनाया हो तो मुझे दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं क्या बनाऊंगी, खाना तो तुम्हें ही बनाना है। जाकर के खाना बनाओ और मुझे भी खिलाओ, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। गौरी, कालू, मैं तुम दोनों को दावत का न्योता देने आई हूँ। कल मेरे घर में सभी की दावत है। मैंने सारे पक्षियों को बुलाया है, हम मिलकर खूब मजे करेंगे। ये थोड़ी खिचड़ी है, ये मैंने आज बनाई थी। मैंने सोचा कालू भैया को बहुत खिचड़ी पसंद है, इसीलिए मैं कालू भैया के लिए ले आई हूँ। तुम दोनों खिचड़ी खा लेना और कल ज़रूर आना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू और गौरी दोनों खिचड़ी खा सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू, मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ, तुम जा कर के थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ, नहीं तो हमें मरम्मत करने में शाम को परेशानी होगी। चिड़िया के यहाँ दावत से आने के बाद घर की मरम्मत भी करनी है, वरना अगर बारिश हुई तो हमारा घर टपकने लगेगा। गौरी, पर मुझे भी तैयार होना था, मैं भी नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, लकड़ियाँ मैं बाद में ले आऊँगा। कालू, बाद में समय नहीं मिलेगा, वैसे भी तुम लकड़ियाँ अगर ले आओगे समय बाद में बच जाएगा, फिर तुम तैयार हो जाना, अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। गौरी कौवा बंटन कर तैयार हो जाती है। कालू कौवे को लकड़ी बीनते बीनते देर हो जाती है, फिर वह घर पहुंचता है। गौरी, तुम तो तैयार हो गई हो, अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर हम चिड़िया के घर दावत पर जाएंगे। कालू, अब इतना समय नहीं बचा है कि तुम तैयार हो, तुम ऐसे ही चलो, नहीं तो दावत खत्म हो जाएगी। फिर कौवा कौवी की बात मानकर उसके साथ बिना नहाए ही चला जाता। जब वह चिड़िया के घर दावत पर पहुंचता है। अरे कालू, तुम्हारे पास से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, क्या तुमने कई दिनों से नहीं नहाया है? मैं तो तुम्हारे पास बैठकर खाना ही नहीं खा पाऊंगा, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, तुम्हें तो नहा कर आना चाहिए, दावत में आए हो इतना भी नहीं पता। कालू कौवा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, अपने को देख पहले, तू कितना गंदा है, बेचारे मेरे कालू को तूने बिना खाए ही भगा दिया यहाँ से। सब मजे से दावत खाते हैं। उधर कालू कौवा घर में जाकर बस रो रहा था, वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर वह बीमार हो जाता है। गौरी कौवी घर पहुंचती है। कालू, कबूतर की बातों में आकर बिना दावत खाए ही आ गए, तुम्हें तो दावत खा कर ही आना चाहिए था, चिड़िया ने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो जो बिना खाए ही चले आए। अब कुछ बोलोगे भी या चुप ही रहोगे, तुम बोलते क्यों नहीं कुछ, क्या हुआ तुम्हें कालू? कालू, फिर गौरी कौवी डॉक्टर उल्लू को बुला कर लाती है। फिर उल्लू कौवी से कहता है, गौरी, कालू कौवा अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, उसके शरीर में बहुत दिनों से भोजन नहीं गया है, उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां हो गई थी, इसीलिए वह मर गया है, लगता है उसे कई दिनों से सही से भोजन नहीं मिला है। ये सुनकर गौरी कौवी की जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह तो बस रोए ही जा रही थी। फिर से गौरी कौवी खुद ही खाना लेने जाती और करती,
तब उसे पता चलता है कि कालू कौवा तो कितना काम करता था। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता, लेकिन अब कालू कौवा तो कभी वापस नहीं आएगा।